एवरीवन वेलकम टू अर्नी गेमिंग। और आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। और आज मैं जो अपनी KTM ड्यूक 690R है उसके ऊपर एक लॉन्ग राइड लेने वाला हूँ। ऐसा बहुत मज़ा आने वाला है, लंबी राइड लेंगे हम लोग, मस्त हाईवे पे फुल 200 किलोमीटर के ऊपर चलाने वाले। और ये रही भाई अपनी KTM ड्यूक 690R KTM ड्यूक 690R है, तो इस पर आज हम लोग करेंगे एक मस्त सी लॉन्ग राइड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो भाई ये रही अपनी ऑरेंज और ब्लैक कलर की बाइक जो कि है KTM ड्यूक 690R। सो इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत लॉन्ग ड्राइव तो करेंगे, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह भी देखते हैं, हो सकती है तो करवा लेंगे अगर टाइम बचा होगा तो। सो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी मस्त लॉन्ग राइड और मॉडिफिकेशन। बस सब अभी ठुक जाता मस्त। शिट शिट शिट, अरे हेलमेट के ऊपर से चला गया। चल फुल स्पीड, वाह क्या स्पीड है यार KTM ड्यूक की, बहुत सही गाड़ी है। मतलब देख रहे हो कट, डीप कट्स कितने सही लेती है ये, देख लगा बच गया गाड़ी। अगर कहाँ पे जाए ये नहीं यार, स्टैट्स में कहाँ जा रहा हूँ मैं, रुक जा एक सेकेंड, इसकी ना थोड़ी ब्राइटनेस मैं कम कर लेता हूँ। चलो जी अब हो गई इसकी ब्राइटनेस मस्त, और ग्राफिक्स अब आपको थोड़े और अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि आपको एक ट्रिक पता होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर आप GTA 5 में ग्राफिक्स का जो ब्राइटनेस होता है वो थोड़ा कम कर लोगे तो आपका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो इस हाईवे पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे रास्ता है सामने जाके राइट लेना है। सामने से भी जा सकते थे, मैंने लॉन्ग कट ही उठा लिया, पर छोड़ो अब बहुत मज़ा आने वाला है। सो इस वीडियो को अंत तक ज़ोर से देखना, और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है अर्नी टेक, उसके ऊपर 280 सब्सक्राइबर्स है, तो उसको भी जाके ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके ऊपर भाई जल्दी से 300 करवाने। और भाई मेरे चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि भाई हमको तो पहले 100 रीच करने, 300 तो दूर की बात है। सो बहुत मज़ा आने वाला है। और अब अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, जरूर से फॉलो कर लेना यार। ट्विटर का आईडी है @arnavlimay, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो जरूर से ट्विटर पे फॉलो कर लेना। और अभी आने वाला है मस्त अपना हाईवे, बहुत मज़ा आने वाला है। ये रहा हाईवे, सामने जाके लेफ्ट लेना है। ये 2-वे हाईवे या 4-वे है मुझे नहीं पता। चलो हाईवे पे आ गए, अब मैं इसको फुल स्पीड भगाऊंगा। आप लोग ज़रूर से गेस करके बताना इसकी स्पीड कितनी है। अरे यार इतना ट्रैफिक क्यों है, ट्रैफिक हट जा। हाँ फुल स्पीड, चलो भाई एक बार वो मेन हाईवे आ जाए उसके बाद हम लोग अच्छी तरीके से चलाएंगे, तो ये खुला रास्ता आ जाए ना फिर। ओए क्या भाग रही है गाड़ी, मज़ा आ रहा है यार इस गाड़ी को चलाने में। कंट्रोलिंग और हैंडलिंग भाई इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, बाइक एक्चुअली गाड़ी नहीं है। कंट्रोलिंग और हैंडलिंग भाई इस गाड़ी की, बाइक की, गाड़ी क्यों निकल रहा है बार बार। फुल स्पीड हैंडलिंग यार इस गाड़ी की, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडलिंग इस बाइक की बहुत अच्छी है। विंडमिल वाले एरिया में आ गए हम लोग, और आवाज़ कितनी सही है यार इस बाइक की, देख रहे हो आवाज़, सुनो मैं 2 मिनट चुप रहता हूँ। आवाज़ कितनी सही है, चलो फुल स्पीड, बहुत मज़ा आ रहा है। हमने मैप तो को क्रॉस ऑलरेडी कर लिया है, अच्छा खासा लंबा ब्लॉग होने वाला है ये, कहाँ जाना है। ये देखो भाई साइड व्यू दिखा रहा था मैं, पर अभी साइड व्यू दिखाने के चक्कर में अभी ठोकर लग जाती है। ये देखो साइड व्यू बीच बीच में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आने वाला है मस्त हाईवे, सो चलिए ये आएगा। और ये 3-2-1 और ये फुल स्पीड, ओए 200 पार कर गई, 220, 230 भाई क्या स्पीड है इस गाड़ी की भाई यार, क्या कितनी खतरनाक स्पीड थी यार, मैंने 250 किलोमीटर के ऊपर चली गई थी ये बाइक, मज़ा आ गया था। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस राइड पे, और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह हम लोग एंड में करवाएंगे, देखते हैं टाइम कितना, अगर टाइम होगा तो मैं मॉडिफिकेशन वगैरह करवाऊंगा इस बाइक की। और अब तो यार आप लोग मैं थोड़ा चुप रहता हूँ, लॉन्ग राइड आप लोग इन्जॉय करो ठीक है। कहाँ, ओ भाई इतने दूर आ गए मैप में, घर चलना चाहिए ना, ये थोड़ी और लॉन्ग लेड हो जाए। लॉस सैंटोस कस्टम चलते हैं मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, वैसे भी वहाँ पहुँचने तक काफ़ी टाइम हो जाएगा। सो भाई वीडियो तो वैसे भी काफ़ी ओ बचा भाई, वो गाड़ी वाला क्या था, मैं मुड़ रहा था अचानक से आ गया, ठोकने वाला था मेरी अच्छी खासी बाइक को। ये क्या हो रहा है,
ओ भाई इसकी गाड़ी क्रैश हो गई, आएगा तू? छोड़ इसको, छोड़ ही देते, ये ले ले क्या बेचारा, यहाँ पे आदमी खड़ा है, इसको ले लेना चाहिए, पिक कर लेते हैं ना। अरे वो आदमी इतना उसको लग गया था, वो आदमी उठ ही नहीं रहा था और बाइक पे चढ़ ही नहीं रहा था। मैंने कहा यार छोड़ दो, अपन लॉन्ग राइड लेने आए तो लॉन्ग राइड लेंगे। चलो भाई टनल आ गया और भाई बच गया, स्क्रैच लगते लगते बचा। ओ शिट, टनल में गाड़ी थोड़ी कंट्रोलिंग सही नहीं होती है ना बाइक्स और कार्स। ये देख क्या आदमी था, मैं आ रहा हूँ हॉर्न बजा रहा हूँ, सुननी नहीं है, आराम से लेफ्ट घूम रहा था, अभी टक्कर हो जाती बच जाता। वो तो अच्छा है इस गाड़ी, बाइक की हैंडलिंग बहुत सही है इसलिए। बाकी और कोई ऐसी बाइक होती ना जिसकी हैंडलिंग मतलब घटिया सी है, वो तो भाई सत्यानाश हो जाता आज। क्या गाड़ी वाला था, मस्त हाईवे यार, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले ही मैं ज़्यादातर वो दूसरे वाले हाईवे पे ही जाता हूँ जो लेफ्ट साइड में है लॉस सैंटोस के मैप में, पर ये हाईवे भी सही है। इसमें बहुत कम बार आए हूँ पर यार मस्त है ये हाईवे भी। थोड़ी व्हीली मार के दिखाऊँ, ये देखो व्हीली, मस्त है यार, कमाल की बाइक है, बहुत मज़ा आ रहा है। और बताना ये वीडियो कैसी लग रही है, ऐसे लॉन्ग राइड्स वाले वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना यार। बहुत मज़ा आ रहा है और हम अब लोग सैन एंड्रियास वाले एरिया में आ गए। यहाँ पे क्या चल रहा है, चलो बहुत आगे आ गए और बहुत मज़ा भी आ रहा है। सो स्मूद है यार ये, मतलब बाइक बहुत स्मूद है और हैंडलिंग वगैरह इस बाइक की बहुत अच्छी है। मैं मुझे लगता है मैंने कम से कम 50 बार बोल दिया है कि इस बाइक की हैंडलिंग अच्छी तो है भाई, कमाल की कंट्रोलिंग है और मज़ा आ रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। और ट्रेवर भी है, ट्रेवर के वीडियोस जो मेरे चैनल पे अर्नी गेमिंग पे आते थे वो कुछ टाइम से बंद है। सो मैंने ट्रेवर को कहा भाई तू भी वीडियोस बनाया कर, तो उसने ठीक है बोला। तो उसने अभी रिसेंटली उसकी जो पुरानी गाड़ी है उसको उसकी मॉडिफिकेशन करवाई है, उसको मस्त हार टाइप का बनाया है। तो उसकी वीडियो ट्रेवर ने कहा है कि मैं भाई एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा, सो उसके लिए बस जरूर से स्टे ट्यून्ड रहना। सो अब सिटी में फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं और मॉडिफिकेशन वगैरह देखते हैं क्या होता है इस बाइक का। सो सामने मुझे बिल्डिंग्स वगैरह दिखनी शुरू हो गई है। सिटी हाईवे पे हम लोग लगता है पहुंच ही गए फाइनली, बहुत मस्त लंबी राइड सी हो गई है, मज़ा आ रहा है, कमाल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। और ऊपर जाना है ब्रिज से, बचा बोला ना कट्स भाई, डीप कट्स, क्या कट्स कट लेती है यार ये गाड़ी। और मैं एक और गाड़ी नहीं लेने की सोच रहा हूँ, तो वो कौन सी लूँगा क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह अभी नहीं बताऊँगा, पर अगली वीडियो या उससे बाद वाले पर लूँगा इसी हफ्ते के अंदर। मैं एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, फ्रैंकलिन की, फ्रैंकलिन लेगा। सो भाई सब क्या सिटी में भी क्या फटाफट भगा रहा हूँ मैं गाड़ी, रेड सिग्नल है पर चलो ग्रीन हो ही गया। कितना दूर है यार, आने ही वाला है, 0.25 माइल्स, पहुँच ही गए, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए यार लॉस सैंटोस कस्टम्स। देखो मैं बातें करने के चक्कर में मैं ये क्या है यहाँ, पॉन्सन बेस है क्या, पॉन्सन ये क्या है यहाँ पे मुझे कुछ, हाँ पॉन्सन बेस है। सूट वूट ले लिया जाए क्या, या छोड़ दूँ, ले लेते हैं ना शायद, या छोड़ दे यार बाइक ही पे चलते, चल छोड़ सूट वूट, क्योंकि अभी कोई डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी वगैरह होती कोई गाड़ी बाइकों की तो मैं लेता, छोड़ अब जाते हैं मस्त अपने लॉस सैंटोस कस्टम्स में। हेलमेट पहन पहले, पुलिस आजकल यार यहाँ पे लॉस सैंटोस में बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब हेलमेट भी ना पहनने पे या फिर ओवर स्पीडिंग पे बहुत चलान वगैरह काटती है इसलिए। ओह बचा, डीप कट्स यार, प्योर डीप कट्स। ओ शिट पीछे रह गया, ये देखो स्पीड के चक्कर में मैं भी कभी कभी आगे निकल जाता हूँ। चलो भाई आ गए हैं अपने, ओ ये किसकी बाइक खड़ी है, ओहे सही बाइक है यार, चला के देखे क्या थोड़ी सी, ये देखो बड़ी कूल सी लग रही है ये बाइक, कौन सी बाइक है, बैठ के देखे यहाँ पे परमिशन वर्मिशन अलाउड है, पेगासी बाटी नाम की कोई तो बाइक है। ओए भाई स्पीड पिकअप देख रहे हो उस बाइक की कितनी है, पर मैं भाई इसको लूटूंगा नहीं क्योंकि पता नहीं किसी और की बाइक होगी, तो मैंने वैसे भी डिसाइड किया आजकल चोरी वगैरह कोई करूँगा नहीं, तो भाई अपनी KTM Duke 690R में ही चलते हैं। और चलो लॉस सैंटोस के सैंटोस कस्टम्स आ गए हैं हम लोग, यहाँ पे करने वाले हैं मॉडिफिकेशन।
अपनी भाई मस्त KTM की। चलो दिखा भाई, रिपेयर व्हीकल कर लेते हैं। आर्मर भाई चाहिए अपने को पूरा 100%। ब्रेक्स लूँगा मैं स्ट्रीट ब्रेक्स। इंजन करवा लेते हैं अपना लेवल 4। एग्जॉस्ट देखे कौन से, ओए भाई फ्लेम छोड़ रहा है एग्जॉस्ट, ये सही है ना, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इससे फ्लेम्स निकल रहे हैं, पर ये भी अच्छा है। ये देखो ये भी फ्लेम्स निकाल रहा है, ये ले लेते हैं ना फ्लेम्स वाला, ये ले, ये भी सही है, दोनों ही अच्छे हैं, पर डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा लो। हॉर्न तो नहीं चेंज करवाना है, लाइट्स देखे, हेडलाइट्स में ये वाली ले लेते हैं। उसके बाद मेरी स्प्रे, कलर सही है ना इसका, या कुछ चेंज वेंज करवाए, देखे कलर्स में और क्या क्या है। नहीं यार, ऑरेंज भाई KTM का साइन है इसलिए चेंज नहीं करवाएंगे, है ना। देखे इसमें कुछ सिल्वर वगैरह का ऑप्शन दे रहा है, नहीं यार कलर्स नहीं। ट्रांसमिशन में देखे क्या है, अरे यार मैं ब्लैक, ओ ये कलर सही लग रहा है ना, मैट ब्लैक। प्राइमरी कलर्स में ग्रे भी है, ग्रे सही लग रहा है, ग्रे करवा लेते, ज़्यादा फ़र्क नहीं पर ठीक है। ट्रांसमिशन देखे क्या है, स्ट्रीट ट्रांसमिशन करवा लेते हैं, स्पोर्ट स्ट्रीट ही सही है। टर्बो ट्यूनिंग भी चाहिए भाई अपने को। और व्हील्स में, व्हील्स टाइप देखे कौन से हैं, फ्रंट व्हील, ओ ये सही है ना, ट्रैक स्टार, ओवरलोड, ये सही है ना, ये वाले सही लग रहे हैं। रेयर व्हील, वायर्स नाम है इस व्हील का, ठीक है उसमें भी वायर्स करवा लेते हैं, वायर्स, ओवरलोड, या उसमें कुछ और ही करवाते हैं, ये रहा अपना वायर्स। चलो दोनों व्हील सेम ही रखते हैं। देखिए व्हील कलर में क्या है, अलॉय है, गार्नेट रेड, ऑरेंज कलर का कुछ लेते हैं, ये छोड़। टायर्स में देखे, टायर एनहेंसमेंट, ओ भाई ये सही लग रहा है ना, ये करवा ले, मस्त कलर दिख रहा है यार व्हील पे। KTM भी रेड और ऑरेंज का कलर सूट करेगा या नहीं करवाते हैं ना, क्या करे, छोड़ ही देते। चल भाई इतनी थी मॉडिफिकेशन, ये देखो भाई इस तरीके की दिख रही है अपनी बाइक। चलो फिर निकले, फिर चलो शाम भी होने आ रही है, सोना भी है घर जाके। ये देखो भाई जेनन हेडलाइट्स लगवा ली भाई ने अपने फ्रैंकलिन। चल हेलमेट पहन, वो बाइक चली गई लगता है, जिसकी डिलीवरी थी वो लेके चला गया, जो बाइक ने अभी टेस्ट की थी। मस्त है यार, एग्जॉस्ट देख रहे हो उसको, स्पीड देख रहे हो, ओए भाई ये कितनी तेज भाग रही है। मुझे तो यार मॉडिफिकेशन पहले करवा लेनी चाहिए थी यार, बाद में जाता लॉन्ग राइड पे। ठीक है फिर अगली वीडियो पे हम लोग ये भी करेंगे, इसका क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पे जाके स्पीड वीड भी टेस्ट करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, सनशाइन एकदम सनसेट होने आ रहा है। ये देखो ब्रेकिंग भी अच्छी हो गई यार, मैं ब्रेक टेस्ट कर रहा था अभी थोड़ी देर से, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई, वरना पहले तो यार ब्रेक लगती ही नहीं थी, मतलब ठीक ठाक सी थी, अब बहुत अच्छी हो गई है। और मैं हैंडलिंग के मामले में तो यार ज़बरदस्त, क्या कहे, कुछ एक वर्ड, एक शब्द, ऑसम, या इतना ही है, बहुत ज़बरदस्त हैंडलिंग है इस बाइक में। ओ बच गया, देखा ब्रेकिंग काम आई। चल पहुँच ही गया ऑलमोस्ट घर, और आज का व्लॉग या फिर कहूँ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उनको पहले पाक वाक कर लूँ, थोड़ा सोने वाला हूँ अभी मैं जाके, और GTA की फिर ट्रेवर का भी वीडियो आएगा थोड़े देर बाद, थोड़े दिनों बाद, देर बाद नहीं। ये है अपनी दूसरी गाड़ी, इसकी मॉडिफिकेशन करवाऊँगा मैं। चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे इस तरीके के और एक नए अमेजिंग वीडियो में। सो फिर टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, बाय बाय।